हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, मैं आई हूँ अपनी छत पर टहलने, और मैंने सोचा कि मैं अपने पौधों की थोड़ी सी इंक्वायरी भी कर लूँ। और इसके बाद जो है मैं क्या करती हूँ, मिट्टी के बर्तन में सुबह के टाइम थोड़े से चावल और थोड़ा सा पानी पक्षियों के लिए भी भर के रख देती हूँ। और आज मुझे बनाना है पालक पनीर, लेकिन हमारी मोटर ख़राब हो गई है, तो पालक को धोने के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। तो जब तक प्लम्बर आएगा उसको सही करेगा, मैं पालक को बीन के साफ़ करके रख लूँगी। तो ये देखिए, करते करते मुझे दोपहर हो गई है और मोटर ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। तो अब मैंने क्या किया है, पालक को अच्छे से बीन कर उसको धो भी लिया है, और देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। फ्रेश सब्जियों को देखकर जो अच्छी सी वाइब आती है ना, बिल्कुल वही आ रही है। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको उबलने के लिए रखेंगे। तो मेरी जो टिप है वो ये है कि आप जब भी पालक पनीर बनाएं तो उसको उबलते समय उसमें 4 से 5 कलियाँ आप लहसुन की डाल दें। जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो ना डालें, वो अदरक ज़्यादा डाल दें। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लाल मिर्च। ये लाल मिर्च वो हो जो रखी हुई लाल हो जाती हैं, हरी मिर्च सूखी हुई एकदम ना हो, थोड़ी सॉफ्ट हो। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक, बाकी अदरक और लहसुन हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब मैं इसको नमक डाल के 2 इसमें सीटी लगा दूंगी, ये अच्छे से उबल जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये पालक हमारा अच्छे से उबल चुका है। और अब इसके बाद मैं इसको या तो आप चाहें घोट सकते हैं या फिर आप इसको मिक्सी से पीस सकते हैं। और उसको पीसने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने ये लिया है 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, जैसे उसमें से धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा, वो अच्छे से पक चुका होगा, तब मैंने उसमें ऐड कर दिया जीरा 1 चम्मच। उसके बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, बीच में से हल्का सा कट लगा के। और जैसे ही कलियाँ हल्की सी गोल्डन भी नहीं हो पाएंगी, उससे पहले ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब इस पेस्ट को मुझे बहुत अच्छे से भूनना है गोल्डन होने तक, क्योंकि ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना ये जो है थोड़ी कच्चेपन की स्मेल आएगी सब्जी में। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब इसके बाद जो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 सूखी लाल मिर्च। ये सूखी हुई लाल मिर्च है, मैंने शुरू में इसलिए ऐड नहीं की थी, वरना इनसे धसक हो जाती घर में। तो ये अच्छे से भून चुका है मसाला। और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस इसको ज़्यादा नहीं भूनना है वरना जल जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर को अब हमें जब तक भूनना है, जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। आप कद्दूकस करके भी टमाटर डाल सकते हैं, वो भी एक बेटर ऑप्शन है, पर मैंने कट करके डाले हैं। और मैं इनको अच्छे से पकाऊंगी, जब मसाला अच्छे से ऑयल छोड़ने लगेगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ पालक, और अब इस पालक को मैं 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। जब इसमें हल्के हल्के से बबल आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसी टाइम पर हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। तो अब मुझे ये पालक को पकाना है अच्छे से। अब ये देखिए, पालक में बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और अब इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर। और पनीर ऐड करने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पर पकाऊंगी, और उसके बाद मैं ऊपर से डालूंगी गरम मसाला। और ये बिल्कुल तैयार है, अब हमें इसको नहीं पकाना है, अच्छे से चला के ये देखिए इसका कलर, वाओ, एकदम तैयार है। आप इसको सर्व कीजिए और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब